सुप्रभात बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद आज हम पढ़ेंगे। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संज्ञा क्या होती है बेटा? कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं और उनके नाम हैं, उनके नाम को ही संज्ञा कहते हैं। चाहे वो कैसी भी वस्तु क्यों ना हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, समुद्र हो, या पेड़ पौधे हो, या जीव जंतु हो, और जो रूटीन में हम यूज करते हैं वो छोटी मोटी सारी वस्तुएं हैं, उन सभी के नाम को क्या कहेंगे हम? संज्ञा कहेंगे या संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? करेक्ट परिभाषा विद्वानों के मत के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। परिभाषा सारी एक ही है, लेकिन शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर बताया गया है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध होता हो। किसका? व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का और भाव का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा की क्या है जी? करेक्ट परिभाषा हो गई। ठीक है, अब आता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद माने गए हैं? तीन भेद माने गए हैं मुख्य रूप से। आगे आएंगे वो आगे बताऊंगी। मुख्य तीन भेदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है भाई? कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता हो। किसका? विशेष व्यक्ति का, वस्तु का और स्थान का। विशेष, विशेष का मतलब दुनिया में वो एक ही हो और अधिक भी हो तो वो क्या हो? फेमस हो। तो कौन सी संज्ञा होगी हमारी? व्यक्तिवाचक संज्ञा मानेंगे उसको। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे हमने लिखा दिल्ली। दिल्ली क्या है भाई? भारतीय राजधानी है, एक ही है और वैसे फेमस भी है। ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर हमने अगला लिख दिया आगरा। ये भी किसमें आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। हमारे जो नाम है हम भी किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, अब ये मत सोचना कि हम फेमस नहीं है। हम फेमस ही है, हम एक ही है दुनिया में, हमारे और अनेक रूप थोड़ी है। तो हम भी किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, अगला आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? कि जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान। किसका? प्राणी, वस्तु, स्थान, उसकी जाति का बोध करवाए। यानी कि जाति का मतलब एक से अधिक आपको उस वर्ग में मिलेंगे, जाति का बोध करवाए। जैसे मैंने लिख दिया भाई दिल्ली, अब मैं लिख दूं शहर। भाई शहर तो क्या है? बहुत ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं। हमने किसी का नाम नहीं डाला, हमने क्या डाला है? ओनली शहर लिखा है मैंने। तो ये किसमें आ जाएगा? शहर लिख दिया तो जातिवाचक संज्ञा में। शहर का नाम लिख देती हूँ, किसी भी शहर का, तो किसमें आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किसी भी देश का नाम लिख दू, किसमें आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, किसी भी कवि का नाम लिख दू तो किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और अगर अकेला मैं लिख दू कि कवि, अकेला मैंने लिख दिया कवि, तो कवि किसमें आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। क्यों? कवि तो बहुत सारे होते हैं, हमने स्पेशल नाम नहीं बताया, ओनली क्या लिखा है इसमें? कवि लिखा है। ठीक है, अगला आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है भाई? कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का क्या होने? बोध हो। सिंपल शब्दों में क्या है कि जिस चीज को हम महसूस कर सकते हैं वो ही क्या होती है भाई? भाववाचक संज्ञा। कि रियल में देखी नहीं जाती, क्या होगी? महसूस की जा सकती है। और जैसे उदाहरण देखिए आप महसूस के, जैसे हमने हमने उदाहरण लिया कि फूल में सुगंध आती है। सुगंध क्या है?
क्या हमें दिख रही है कहीं पे? सुगंध हमें कहीं भी नहीं दिख रही। सुगंध को क्या किया हमने? महसूस किया है। तो सुगंध शब्द कैसा है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, एक दूसरा शब्द और है बुढ़ापा। बुढ़ापा शब्द कैसा है? ये भी भाववाचक संज्ञा। क्यों? बुढ़ापा को हम क्या कर सकते हैं भाई? ये तो है नहीं कि एक दिन में ही आ गया और हमने बता दिया कि आज बुढ़ापा हो गया, ऐसा तो है नहीं। क्या किया हमने? धीरे धीरे रेगुलर उस चीज को देख रहे थे, उसमें बदलाव या परिवर्तन महसूस हुआ और हमने महसूस किया कि क्या है ये बुढ़ापा और बचपन। ठीक है, तो संज्ञा के मुख्य तीन भेदों के बारे में हमने पढ़ा। आगे है भाई कि कुछ विद्वानों का मत है, कुछ विद्वानों का मत है जो अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के दो भेद और मानने लगे। कौन? व्याकरण के जो ज्ञाता है, हमारे विद्वान है जो अंग्रेजी का व्याकरण लिखते हैं, उन्होंने इन दो संज्ञाओं के बारे में और बताया। ये भी इन्हीं के भेद मान लिए इन्होंने। कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? नाम से ही पता चलता है कि तरल पदार्थ की बात हो रही है, लिक्विड चीजों की बात हो रही है यहाँ के ऊपर। तो जो शब्द, जो संज्ञा शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य का बोध करवाते हों, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा, या एक चीज से दूसरी चीज बन जाती हो। ठीक है, जैसे धातु का नाम लिया है मैंने, तो धातु को पिघलाकर हम नया रूप देते हैं ना, या नहीं देते? देते हैं। जैसे सोना, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और इसमें दूध वगैरह, लिक्विड चीजें जो भी है, दूध, तेल, ये भी सारी किस्में आ जाएंगी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आती है। ठीक है, अगला है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? समूह का मतलब क्या है भाई? एक से ज्यादा की बात, समूह की बात हो रही है यहाँ पर। तो हमें शब्द को देखते ही पता लग रहा है कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, कि जो शब्द संज्ञा ही जाति के व्यक्तियों का या वस्तुओं का, भी ऐसा शब्द जो संज्ञा के शब्द मिलेंगे आपको और वो किसका बोध करवाएंगे? समूह का, एक से अधिक होने का बोध करवाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे सेना, सेना, सेना में कोई एक सिपाही तो होता नहीं, सेना में क्या होता है? दल होता है, सेना का दल, सेना दल। जैसे कक्षा, कक्षा किससे बनती है भाई? एक विद्यार्थी से तो बनती नहीं, कक्षा के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो कक्षा किसमें आती है? समूहवाचक संज्ञा में। ठीक है, एक आता है गुच्छा, एक शब्द और देखिए, गुच्छा, गुच्छा भाई एक चीज से नहीं बनता, एक से अधिक मिलेगी, गुच्छे के अंदर जो भी वस्तुएं होंगी वो एक से अधिक होंगी, तो वो किसमें आएगी? समूहवाचक संज्ञा में। ठीक है, आगे था हमारा कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है, या भाववाचक संज्ञा बनाने के प्रकार बताइए। तो भाववाचक जो हमारी संज्ञा है उसका निर्माण पांच प्रकार से होता है, पांच प्रकार के शब्दों से होता है। किससे होता है? जातिवाचक संज्ञा के द्वारा। जातिवाचक संज्ञा से कैसे होता है? जैसे हमने लिख दिया भाई बाल, बाल शब्द क्या है हमारा? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, हमने भाववाचक संज्ञा बनाई इसका, तो हमने कर दिया बालपन। हमने जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण और लिया, देखिए हमने लिखा पशु, पशु। भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? पशुता। तो किसे होता है? एक तो नंबर एक जातिवाचक संज्ञा से। अगला है हमारा सर्वनाम से। सर्वनाम क्या होता है भाई? सर्वनाम शब्द होते हैं जो, उनसे किस तरह से बनाएंगे? जैसे निज, निज, निज का क्या हो जाएगा? निजतव, निज का क्या हो जाएगा? निजतव। जैसे हो गया मम, मम का ममतव या ममता, ममतव या ममता। तो इस तरह से सर्वनाम शब्दों से
भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अगला आता है भाई विशेषण से। विशेषण से कैसे पता करोगे? विशेषण होता क्या है कि संज्ञा के शब्दों की क्या बताएगा, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता। और विशेषता कैसे बताई जाती है भाई? काला है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, मधुर है, कड़वा है, इस तरह के शब्द मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा इससे? मधुर। मधुर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? माधुर्य। ठीक है, मधुर की भाववाचक संज्ञा माधुर्य। ठीक है, अगला आता है हमारा जैसे दक्ष। तो दक्ष से दक्षता। ठीक है, अगला आता है क्रिया से। क्रिया आपको पता होगा क्रिया होती क्या है? किसी काम का करना या होना, वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। जैसे भाई जागना, सोना, दौड़ना, उठना, बैठना, इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे। और इन शब्दों की भाववाचक संज्ञा आप कैसे बनाओगे? जैसे जागना शब्द है हमारा जागना, और भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो जागरण। आपने नाम भी सुना होगा जागरण का, तो कि जागना क्या होता है, जागरण करना क्या होता है। ठीक है, और अन्य शब्द ले लिया आपको पीसना। पीसना का क्या हो जाएगा? पिसाई। पिसाई पीसना क्या होता है? किसी चीज को मतलब पतला करना, पीसना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? पिसाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे दौड़ना, दौड़ना भी क्या है? क्रिया शब्द है, तो इसका क्या बन जाएगा भाववाचक संज्ञा? दौड़ हो गई। अगला है भाई अव्ययसिंह। अव्यय क्या होता है? अविकारी शब्द मिलेंगे जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार और काल के अनुसार इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। शब्दों से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से शब्द है। ठीक है, जैसे मना, अव्यय के उदाहरण देखिए, मना, मना का क्या हो जाएगा? मनाही। ठीक है, अगला शब्द देखिए दूर। दूर का क्या बन जाएगा? दूरी। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही। आशा करती हूँ आपको संज्ञा का टॉपिक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।